हेलो फ्रेंड्स यार, अब 2 दिन बच रहे हैं आप लोग के इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई क्या स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग फॉलो करोगे अपने लास्ट 2 डेज में, ताकि आप लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। भाई एक बात का याद रखना, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। भाई जब तक कम्पीट नहीं करोगे डिफीट को एक्सेप्ट मत करना। सो माय नेम इज सर्ज एंड टुडे आई विल गिव यू सम स्ट्रेटजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। तो भाई क्या स्ट्रेटजी है जिससे आप लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर जाओगे। सबसे पहला है कि आप लोग रिवाइज कर लो अपने लिटरेचर सेक्शन और नोवेल को। भाई अपनी जो बुक्स आप लोगों की टेक्स्ट बुक और अपनी नोवेल को अच्छे से रिवाइज कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप लोग पेपर को जब अटेम्प्ट करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो भाई रिवाइज कर लो अच्छे से अपने लिटरेचर सेक्शन और नोवेल को। देन भाई प्रैक्टिस करो राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस। कल का जो आपका दिन है, यानी कि जो आपका दिन है कल 28 फेब, भाई 28 फेब को आपको क्या करना है, आपको राइटिंग सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 3 से 4 आर्टिकल कर लेना अटेम्प्ट, 3 से 4 कोशिश करना कि रिपोर्ट राइटिंग करो, डिबेट करो, स्पीच करो, इनविटेशन करो, नोटिस करो। भाई कल का जो दिन है आप लोग अपने प्रैक्टिस सेक्शन प्रैक्टिस करो अपने राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को। साथ साथ क्या करना, रिवाइज भी करते रहना थोड़ा थोड़ा टाइम में अपने लिटरेचर सेक्शन और नोवेल को। अब भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सीबीएसई के सैंपल पेपर लेना है, परसों ले लेना सीबीएसई के सैंपल पेपर 1 तारीख को, और अटेम्प्ट करना, देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं और हम लोगों से वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो भाई आपको करना क्या, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाना है। भाई क्या आपकी स्ट्रेंथ और क्या आपकी वीकनेस, आपको पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे की अलग वीकनेस होती है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब क्या करना है भाई, आप लोगों को अपना एक स्टाइल पता लगाना है कि किस तरीके से आप लोग उन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। हर बच्चे का भाई अपना स्टाइल होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। कुछ कुछ बच्चे करते हैं राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, कुछ रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर कि किस में आप लोगों की स्ट्रेंथ है, किस में आप लोग अच्छे हो। तो भाई उस सेक्शन को आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे। उसके लिए आपको करना है, उसके लिए आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ताकि जब भी आप लोग पेपर देने बैठोगे अपने बोर्ड एग्जाम 2nd of March को, तो आप लोग को पता होगी आपका स्टाइल क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने का। और क्या भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो लिटरेचर सेक्शन और नोवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मैंने बनाई है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। चैनल सब का नंबर मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।